हेलो फ्रेंड्स, वारलू जंक्शन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि दबंग खान सलमान खान से। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इन दिनों सलमान खान अपनी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को लेकर काफी चर्चाओं में है और वो अपनी इस फिल्म को लेकर कमर कस चुके हैं। यानी कि भैया, इस फिल्म का पोस्ट का काम शुरू हो चुका है, यानी कि फिल्म की शूटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और सलमान खान ने यह तय कर लिया है कि भले ही इनकी फिल्म रिलीज ना हो पाए कोरोना वायरस की वजह से ईद के मौके पर, लेकिन वो उससे पहले अपने फिल्म का काम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि सलमान खान की पूरी टीम को ये उम्मीद है कि भैया कोरोना वायरस का ये जहर जो है वो ईद से पहले समाप्त हो जाएगा पूरे विश्व से और ये फिल्म यानी कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई अपने तयशुदा टाइम पर ईद के मौके पर रिलीज हो पाएगी। तो भाई, होप तो हम भी यही करेंगे कि भैया कोरोना वायरस का जो ये जहर है, ये जो वायरस है, ये खत्म हो जाए पूरी दुनिया से और हम लोग एक बार फिर से सलमान खान का जादू सिनेमा घर में देख पाए। तो भैया, इस फिल्म को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आ रही है। मतलब कि एडिटिंग वाली बात तो हमने आपको कल ही बता दी थी कि इसका एडिटिंग जो है वो सलमान खान अपने घर से ही कर रहे हैं, यानी कि राधे की जो एडिटिंग हो रही है वो सलमान खान के घर पे हो रही है और उसी के साथ साथ इस फिल्म के जो किरदार है उन्होंने भी अपने बारे में जानकारी लोगों को देनी शुरू कर दी है। आपको तो पता ही है कि इस बार राधे और मोस्ट वांटेड भाई में रणदीप हुड्डा जो है वो मुख्य विलेन के तौर पे नजर आएंगे और उनका किरदार इस फिल्म में क्या होगा उसको लेकर उन्होंने हिंट दे दिया है। यानी कि उन्होंने बताया भैया कि वो मुंबई के एक गैंगस्टर के किरदार में नजर आएंगे जिनसे सीधा सीधा मुकाबला होगा बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान यानी कि भाई राधे भाई का। तो भाई, राधे भाई से जब इस गैंगस्टर का मुकाबला होगा बॉक्स ऑफिस पर तो कौन जीतेगा जंग भाई, आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। और आपको क्या लगता है भैया, सलमान खान ने जो फैसला लिया है कि भैया भले ही कोरोना वायरस की वजह से अगर मान लो कि रिलीज डेट चेंज हो जाता है लेकिन उससे पहले वो अपनी फिल्म को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि होप पे दुनिया टिकी हुई है बॉस कि हम कोरोना वायरस पे जीत हासिल करेंगे और हम सलमान खान की फिल्म को ईद के मौके पर ही सिनेमाघर में देखेंगे, आप देख लेना। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारलू जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।